तो और भाई लुक क्या हालचाल यार। अब देखो यार, अगर आप घर में घुस घुस कर मारने पर बिलीव करते हैं तो ये मैच आपके लिए ही है, क्योंकि इस मैच में चारों तरफ चौतरफा क्लोज रैंड फाइट करूंगा और यार वो फाइट देखने के बाद आपको काफी मजा आएगा। पर फिलहाल देखो नोबर इपनॉय उतरे हैं और यहाँ पे भी ये तीन से चार टीम उतरती हैं और एक टीम तो हमारे ही साथ में उतर जाती है, तो गन फाइट होने वाली है, तो देखो क्या होता है। अब देखो यार, यहाँ पे भैया पबजी मेरे को नीचे गिरा देता है और सही हुआ कि मैं नीचे गिर गया, नहीं तो मेरी पेटी बन सकती थी। पर फिलहाल देखो भैया नीचे उतरे हैं और नीचे गन मिल जाती है और तब तक डीटी एक दो बंदों को पेल भी देता है, तो बाकियों की पेटी हम बनाते हैं चल के। I got supplies. दो बंदे नियत पे। चलो चलो। अब देखो यार, यहाँ पे ये दो ही चाचा रहते हैं, तो भैया मैं इनके एक और बंदे को नहीं ढूंढता यार। देखो इतना टाइम नहीं है अपने पास, आगे भी बंदे पेलने हैं, तो यार आगे लूटलाट के जाते हैं और तभी मुझे एक चाचा दिख जाते हैं। अब इन चाचा को नॉक तो कर दिया था, पर उतने में ही भैया पीछे की तरफ भसड़ हो जाती है और अपने पास भैया गन के नाम में यार गोलियां बिल्कुल थोड़ी सी ही बची हैं, तो फटाफट AKM चेंज करते हैं और यार आगे जाते हैं। और देखो यार यहाँ पे काफी मजा आने वाला है, क्योंकि आपको ना 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 आ जाओ, वो रिवाइव नहीं दे रहा। भाई तो हमको क्यों मार रहे हैं? Enemies ahead. बहुत सेक्सी। एक और आ जाओ। अब देखो यार, इन चाचाओं की पेटी तो मैं बना देता हूं, पर मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मैं यहां पे आया तो इन बंदों के ऊपर प्री फायर किया और जब रीलोडिंग करके पीछे की तरफ देखा तो एक ऊजी वाले चाचा मेरे टीममेट को पेल रहे थे और यार उन्होंने भी मेरे को उसी टाइम देखा था और मैंने भी उनको उसी टाइम, और भैया जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो यार दोनों की काफी फट गई थी। पर यार फिर भैया चाचा की ऊजी रीलोडिंग में लगी ही रह गई और यार मैंने काम कर दिया, तो यहाँ पे जैसे तैसे उनकी पेटी बना दी और फिर सबकी पेटी बना दी। पर फिलहाल देखो यार, यहाँ पे फ्लेयर पूरा मिल जाती है, तो फ्लेयर एलर चलाते हैं और यार आगे की तरफ जाते हैं, पर उससे पहले एक बोर्ड दादा दिख जाते हैं, तो उनकी भी पेटी बना दी जा रही है। अब देखो यार, यहाँ पे होता ये सीन है कि भैया हमको फ्लेयर तो मिल जाती है और साथ में गाजर घास भी मिल जाती है, पर आगे से यार कोई चाचा बोट फायरिंग कर रहे होते हैं, तो देखो भैया अपन खेल रहे हैं सीजन 2 से यार, तो हाँ बोट फायर समझ जाते हैं कि बोट फायर है या बंदा फायर है, तो यार यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि कौन चाचा थे वो, और फिर मुझे इस खप्पड़ में एक बंदा दिख जाता है, तो मैं बोलता हूँ यार बम बबूरा ट्राई किया जाए और देखो क्या होता है। अब देखो यार, दोनों के दोनों चाचा भैया ऊपर चढ़े थे, निंजा टेक्निक का यूज कर रहे थे, लेकिन यार निंजा टेक्निक का उपयोग आप उसी के सामने करोगे जो कि निंजा टेक्निक पर बिलीव करता है, तो भैया जल्दी पकड़ में जाओगे, तो यहाँ पकड़ लिया था चाचा को और पेटी बनाने की बारी। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि भैया ये जो खप्पड़ वाला बंदा था, सकाड हाउस वाला, ये यार पहले काफी चौड़ में सफर किया, लेकिन जैसे ही इसके टीममेट की पेटी बनी तो यार ये काफी डर गया और यार फिर एक भी गोली नहीं चलाई, और यार इसी बात से सिद्ध होता है कि संगठन में है शक्ति और टीममेट साथ में ना हो तो सबकी है फटती, तो भैया चाचा की फट गई थी, इस वजह से यार बिल्कुल समझ नहीं पाया चाचा कि करना क्या है। पर फिलहाल देखो यार, इनकी पेटी बना दी है और यार कैंपिंग लेवल अच्छा था इनका, लेकिन भैया निंजा टेक्निक का उपयोग
उनके सामने करो जिनको पता ना हो। तो यार इनकी पेटी बना के हम मिलिट्री पे साइड आ जाते हैं, और यार यहाँ पे हमको कोई भी समझ में नहीं आ रहा होता तो हम निकलने लगते हैं। और तभी यार एक चाचा फायर पूरा करते हैं, तो मैं डीटी से बोलता हूँ भैया गाड़ी रोको, केलों का जुगाड़ है। अब यहाँ पे मैं एक शॉट मारूंगा, उसको स्लो मोशन में देखना। भैया बिल्कुल एग्जैक्ट हेडशॉट था, और यार पता नहीं क्यों बंदा नॉक नहीं हुआ, वो भी AWM और लेवल 2 का हेलमेट। स्लो मोशन में देखो आपको भी समझ में जाएगा कि पबजी मेरे साथ कितना गलत करता है। पर फिलहाल देखो यार चाचा नॉक हो गए हैं, तो जाके पेटी बनाते हैं और उनका टीममेट रिवाइव दे रहा है। अब देखो यार इन चाचाओं को निपटा तो देते हैं, पर यार अभी भी मैं उसी विषय में सोच रहा हूँ कि हेडशॉट पड़ा क्यों नहीं। और यार कसम से अब तो ये भी लगने लगा है कि पबजी को पता है कि भैया देखो अगर मैंने इसको हेडशॉट चिपकवा दिया तो लोग कमेंट करेंगे और कमेंट में इसकी तारीफ करेंगे, और यार शायद पबजी भैया मेरी तारीफ सहन कर पाता। पर फिलहाल देखो यहाँ से निकलते हैं, और तभी एक सांप दिख जाता है। अब ये सांप 1400 मीटर जोन से दूर यहाँ पे क्यों लेटा था ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ इसका टीममेट भी यही है, और वो भी भैया काफी बसीला है। देखो ध्यान से, तो यार चाचा को भैया गोली वोली मारते हैं, लेकिन चाचा आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो मैं डीटी से बोलता हूँ भैया चाचा चोर पुलिस खेलने वाले हैं, तो लगाओ गाड़ी, पकड़ेंगे इनको फटाफट। और देखो यार क्या ही पकड़ते हैं इनको। देखो यार एक रजिया तीन गुंडों के बीच में फंसेगी तो हाल कुछ ऐसा ही होना है। तो भैया इनकी पेटी बन जाती है, और यार इसके बाद हम लोग लूट लाट के ब्रिज कैंप करते हैं। अब देखो ब्रिज कैंप तो करते हैं, पर भैया कोई भी नहीं आता, लेकिन जॉन चाचा आ गए थे। तो यार देखो जॉन से पेटी न बने इसलिए हम लोग आगे की तरफ निकलते हैं, पर तभी मुझे आगे एक गाड़ी दिख जाती है, तो मैं बोलता हूँ लगाओ उसके पीछे। पर यहाँ देखो टीममेट की नसीब, ये रही गाड़ी यहीं पे। अब देखो यार जिस तरीके से मेरे टीममेट ने गाड़ी लगाई थी, मेरे को 101% लग रहा था कि पेटी बनने वाली है बस, पर जैसे तैसे नहीं बनी। लेकिन उसके बाद जब डीटी नॉक हुआ तो मैंने बोला यार अब कुछ करना पड़ेगा भैया, नहीं तो डीटी की पेटी बन सकती है 101%। तो भैया मैं रेसा करोसक लेके ऊपर की तरफ जाता हूँ अकेला, और यार पता नहीं कैसे चाचाओं की पेटी बना देता हूँ। अब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन भैया जैसे तैसे यार सकेल्स के द्वारा पेटी बना दी गई। तो यार देखो अभी तक अगर ये सब सीन अच्छे लगे हों तो धड़ पे लाइक ठोक दो, लाइक में मजा जाता है यार। फिलहाल देखो यार उसके बाद हमें एक सरकारी ड्रॉप दिखता है, तो मैं बोलता हूँ भैया ड्रॉप में गाड़ी लगाओ, पर यार वहाँ पे कोई और पहले से लूट रहा होता है, तो पेटी बनाते हैं चाचाओं की। अब देखो यार एक चाचा को तो पूरे पेल दिया था, पर उसके बाकी के टीममेट भी होते हैं और वो सम्मुख अम्मुख करते हैं, तो मैं यार एक बम पूरा फेंकता हूँ, और अगर यार ये फूट गया तो लाल बटन में दबाई देना। किधर है बंदा?
देखो यार, इन चाचाओं की पेटी तो बना देते हैं, और आपने अभी तक मेरा यार देखो सस्ता सप्रे देखा होगा सम्मुख में एडजस्ट वाला, सस्ता AWM का शॉट भी देखा होगा सम्मुख में एडजस्ट वाला, लेकिन यार बम बबूरा भी सम्मुख में एडजस्ट करके फेंक दिया। तो यार देखो भैया, काबिले तारीफ है, मजाक मत लिया करो यार, दबा दो यार सब्सक्राइब बटन यार। भैया देखो 1 लाख जब से हुए हैं तो दबाते ही नहीं यार आप लोग, तो दबा दो। पर फिलहाल देखो एक और गाड़ी आ रही है। अब देखो यार वो गाड़ी आ रही थी तो मैं लेट इसलिए गया था क्योंकि यार देखो 20 किल हो गए, और भैया मेरे को यार कुचलने वाली मौत से काफी डर लगता है भैया, काफी बुरी बेइज्जती होती है अगर कुचल जाते हैं तो यार भैया इसलिए मैं लेट गया था कि यार वो देखे ना तो कुचले ना। पर फिलहाल देखो वो आगे निकल जाते हैं, पर इस पहाड़ी में और इस घर के पास कुछ बंदे होते हैं जो कि लड़ रहे होते हैं, तो यहाँ आते हैं और देखो क्या होता है। यार ये अकेले चाचा बचते हैं भैया उस फाइट में, तो इनकी पेटी तो बना देते हैं, पर यार जो गाड़ी आई थी वो वाली टीम आगे रुक जाती है, तो भैया देखो यहाँ से एक आध दो सस्ता हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं यार। अब आपको भी पता है कि कितना मालूम है, लगने नहीं वाला, तो मैं ड्यूटी से बोलता हूँ यार गाड़ी निकालो भैया, गाड़ी लगाओ, गाड़ी में ही मजा है यार। तो यार देखो रस करके घुस के पेलिंग इनको, और काफी मजा आएगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। तो एक चाचा सरकारी ड्रॉप लूट रहे हैं, अब देखो इन चाचा को तो नॉक कर दिया था, पर बाकी के टीममेट भी होते हैं। और हमारे देखते तो यार इनकी भी पेटी बना दी जाती है, और यार इनका ड्रॉप भी ले जाता है। और अब देखो भैया सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 5 बंदे, यार 4 बंदे घड़े थोड़ी कमजोर हैं, तो यार फिर मैं बोलता हूँ भैया रेसा करोसा करना ली जाए, पट्टी लगा ली जाए। और पट्टी लगा के जब हम यहाँ से निकलने लगते हैं तभी मुझे आगे वाली पहाड़ी में एक गाड़ी दिखती है, तो मैं डीटी से बोलता हूँ भैया गाड़ी लगाओ, लेकिन ऐसी लगाना कि देखो विवादित स्थिति न बने और हम यार चुपके से उनको पील दें। तो यार डीटी यहाँ पर भैया गाड़ी घुमाता है। अब गाड़ी तो घुमाते हैं हम, लेकिन यार 3-4 राउंड घुमाने के बाद भी कोई नहीं दिखता, तो फिर भैया देखो वीडियो को सकेप करना पड़ता है, और अब वो चाचा दिख चुके हैं। तो भैया ये पूरी टीम नहीं होती, एक अकेले चाचा होते हैं, और यार सच में ये ऐसी जगह लेटे थे कि भैया कोई सोच भी नहीं सकता था। पर यार फिर डीटी चाचा अचानक से भैया गाड़ी नीचे की तरफ ले जाते हैं और चाचा दिख जाते हैं। पर यार अब आपको मैं बताऊं तो यार लास्ट में पिरो बंदे बचते हैं या फिर बिल्कुल ही नूब जो कि झुरकी उतरते हैं, तो भैया झरकी वाले बंदे बचे हैं, तो यार देखो उनकी पेटी काफी मस्ती में बनाई जाएगी और वो यहीं रहते हैं, तो चाल चलन से मैं समझ भी जाता हूँ कि ये यार देखो झरकी से आए हैं डायरेक्ट, तो इनकी पेटी मजे से बनाते हैं। देखो ध्यान से, क्या चला रहे भैया ये? तो एक चाचा की टकली फोड़ दी जाती है और बाकी के 3 बचे हैं, तो देखो यार उनकी भी क्या ही पेटी बनाते हैं। अरे मार दे, जो रश करने के लिए बोल रहा था ये, आराम से। हाँ वही आराम से। अब जब तीसरे बंदे को मारता हूँ तब पता चलता है कि भैया वो बंदा नहीं बंदी है यार, चेत्या। तो चेत्या तुम क्यों लेटती हो यार इनके साथ, क्यों बनती हूँ सांप, प्लीज मत किया करो यार ऐसा, काफी बुरा लगता है दूसरों के साथ देख के। और यार इसे कहते हैं हाथ धर के कुल्हाड़ी मारना, यानी भैया अपनी किल खुद ही वेस्ट करना। मैंने सोचा यार TDM वाला शॉट मारा जाए, लेकिन भैया इतना सस्ता हो गया था कि एक भी गोली नहीं पड़ी उनको, तो यार देखो इनको भैया डीटी चाचा पेल देते हैं। तो यार इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू।